नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लासों में मेंस्ट्रुएशन क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री में मैंने कुछ फार्मूलाज बताए हैं। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन क्लास फोर, क्लास फाइव में मैंने कुछ मिसलेनियस के भी क्वेश्चन बताए हैं, ये मिक्स करके बनते हैं। उसके बाद मैंने आपको फेसबुक पेज के माध्यम से, मैंने आपको व्हाट्सएप के माध्यम से एक सीट प्रोवाइड कराई है, ठीक है। आप मेरे फेसबुक पेज अमित कुमार शुक्ला या कानपुर कंपटीशन हब या ग्रुप, फेसबुक ग्रुप कानपुर कंपटीशन हब पे जाके इस एक्सरसाइज को आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज मैंने दी थी होमवर्क के लिए, इसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जैसा कि देखिए ये है और ये सब ऐसे लगातार मिलेंगे। मैंने आपसे ये कहा था कि उन लड़कों को सबसे पहले जब मैंने क्लास पढ़ाई थी तो सबसे पहले मैंने ये कहा था जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट्स बना के आप हमको मेरे नंबर 81 82 87 32 43 पर आप व्हाट्सएप करेंगे। जब आप व्हाट्सएप करते हैं तो मैं आपको अपने ग्रुप में जोड़ लेता हूँ और मैं आपको सीट्स जो है पीडीएफ फाइल के माध्यम से प्रोवाइड कराता हूँ। जिन लोगों को थोड़ा सा सिर्फ नाम का रहता है, पढ़ाई करना समय नहीं रहता है, तो उन लोगों को ये नहीं हो पाया और इसलिए सीट नहीं मिल पाई होगी। आप अगर सर्च करना चाहें, मेरा नंबर है, आप उस पर कर सकते हैं। ढेर सारे माध्यम हैं और आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आप सर्च कर सकते हैं, बस आप करना चाहें। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं इन 50 क्वेश्चंस जो मैंने 50 क्वेश्चन की एक एक्सरसाइज दी थी, मैं ये ट्रायंगल पे बेस्ड थी टोटली जो है, ये टोटली ट्रायंगल पे बेस्ड थी, ठीक है। और मैं आज उसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ इस क्लास में, एक्सरसाइज का, जो कि हमारी मेंस्ट्रुएशन की 6वीं क्लास है, जिसका नाम होगा मेंस्ट्रुएशन एक्सरसाइज 1 प्रैक्टिस क्लास, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर है। आपको याद होगा जब आपने मेरी क्लास पढ़ी होगी, क्लास 3 नंबर मेंस्ट्रुएशन क्लास 3, उसमें आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने बताया था, तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि समकोण त्रिभुज की कुछ जो भुजाएं होती हैं वो हमें कुछ याद होनी चाहिए, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज की हमें कुछ भुजाएं याद होनी चाहिए, तो मैंने बताया था आपको कि 3 है, 3 4 5 6 8 10, 5 12 13 5 12 13 सॉरी 7 24 25, 8 15 17 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 16 63 65, 20 21 29, मैंने कई सारी आपको भुजाएं बताई थी। अगर ये कहीं दी हैं तो आपको हल करने की जरूरत ही नहीं साहब, ये आपको देखते ही पता चल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या क्या दिया, यहाँ 8 मीटर दिया, 10 मीटर दिया और 6 मीटर दिया, यानी कि 8 मीटर दिया, 10 मीटर दिया, 6 मीटर दिया। मेरे प्यारे साथियों, देखते ही पता चल गया, क्या पता चल गया, समकोण त्रिभुज है, 10 सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण हो गई, ठीक है। यहाँ में से कोई एक 8 है, कोई एक 6 है, हमसे पूछा गया मेरे प्यारे साथियों क्षेत्रफल। मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है कि सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमसे पूछा क्या गया। दोस्तों, क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल के लिए हमको भुजाएं देखनी होती हैं, कैसी हैं, विषम है, इनकी लंबाई आसमान है। फिर हमको जैसे हमने पढ़ते हमको मिला कि 6 8 10 है। अगर 6 8 10 है तो टेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज बहुत आसान है, नहीं तो लगाना तो तब भी आता है। तो देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार 8 है, ऊंचाई 6 है, बटे 2। तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा 2 3 6 8 का 24 वर्ग मीटर, क्लियर है दोस्तों। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, 24 वर्ग मीटर, क्लियर है। जल्दी जल्दी फटाफट नोट करते रहिए। हाँ, एक काम सबसे अहम है, आपने जिन लोगों ने दोस्तों सीटें लगाई हैं, ठीक है, मैं 1 से 50 तक लगातार सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिनके आंसर सही निकलते जाएं वो अपना लिखते जाएं, जितने आंसर सही निकले हैं टोटल आपको काउंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है प्लीज, इतना तो आप कर लीजिए, क्लियर है। ओके दोस्तों, चलिए
अब आ जाते हैं, इसको साफ करते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू जरा कौन पढ़ के बताएगा, कहता है किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 मीटर है, 12 मीटर है तथा 13 मीटर। अरे भाई देखते ही पता चल गया, देखते ही क्या पता चल गया कि ये तो 5, 12, 13 तो समकोण की भुजाएं हैं। एक कोई 5 है, एक कोई 12 है, 13 फिक्स है, कर्ण है। कहता है क्षेत्रफल क्या होगा, आपको पता है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई बटे 2 × 12 × 6 = 30 वर्ग मीटर। मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, 30 वर्ग मीटर। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी 30 वर्ग मीटर। ओके चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पढ़ते रहिए क्या कहा है उसने। ये वीडियो रिवाइंड करके, ठीक है, वीडियो आप पुश करके इसका हल लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं हल, देखिए क्लास जब एग्जांपल करा रहे होते हैं तो थोड़ा समय दे देते हैं, अगर इसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन है, मैं ऐसे कितनी सारी वीडियोस बनाऊंगा तो इतना ज्यादा समय नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो आपको मेरी बात ये समझ में आ गई होगी। चलिए यहाँ कह रहा है ए भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल व ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। मेरे प्यारे साथियों यहां मैं लिख के हल करके ही बता देता हूं, मगर गलती आपकी है अगर आंसर आपका गलत है। क्या गलती है जरा बताओ, मैंने क्लास में ये बात पढ़ाई है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज मैंने आपको क्लास में बताया है। मैंने आपको क्या बताया कि यदि किसी वर्ग की भुजा, ठीक है, और किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर बराबर है तो इनका क्षेत्रफलों का अनुपात, जल्दी याद करो क्या होता है, 4:√3। हल करके बताते हैं, चलिए ये वर्ग है, ठीक है, इसकी भुजा ए है, ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा ए है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर, रेशियो बनाना है इसका हो जाएगा, जल्दी बोला करो फार्मूला, √3/4 ए स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, 4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4:√3। जल्दी से नोट करिए प्लीज, ये दोस्तों 4:√3 आया था, सॉरी 4:√3 आया था, ठीक है। चलिए इसको साफ कर देते हैं जरा पूरा, ठीक है। चलिए आ जाइए वापस, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दो समरूप का मैंने मीनिंग बताया था मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होना चाहिए, कोण एक जैसा होना चाहिए, इनके जो एंगल है, ये मान लीजिए ABC है, ये मान लीजिए कोई दूसरा त्रिभुज PQR है, ठीक, इनका एंगल A इक्वल एंगल P होना चाहिए तभी समरूप माना जाएगा, एंगल B इक्वल एंगल Q होना चाहिए और एंगल C इक्वल एंगल R होना चाहिए, ठीक है, इसको हम कहेंगे समरूप। भुजाओं अनुपातिक होती है। अब देखिए उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि उनके संगत शीर्ष लंब जो हैं 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर के अनुपात में हैं। इसका अगर मान लीजिए 5 है, ठीक है, तो इसका कितना है, इसका कितना है दोस्तों, 7 है। ये देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फिगर उल्टा बना दिया, आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए तो आपको ज्यादा आसान हो जाएगा, और यहाँ पे आप इसको ऐसे कर लीजिए, ये है 5 और इसका मान लीजिए है 7, PQR, क्लियर है। उसने कहा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, दोस्तों किसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमेशा किसमें होता है, स्क्वायर में होता है, किसमें होता है, स्क्वायर में। तो अगर हम इनके एरियाज का रेशियो बात करेंगे तो 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 25, और 7 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 49। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 25:49 के क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होते हैं, ठीक है ना, भुजा के स्क्वायर में, ठीक है ना। चलिए जल्दी नोट करिए, मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला जल्दी से पढ़िए, इसका आंसर आपको पता चल गया होगा क्या है, 25:49, ये मैंने सब एग्जांपल में भी कराया था, ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको। कह रहा है एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, यदि उसके विकर्ण पर
समबाहु त्रिभुज अंकित किया जाए, यानी कि एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, सॉरी जिसकी भुजा जो है 4 सेंटीमीटर, भुजा है 4 सेंटीमीटर। अब अगर भुजा 4 है तो विकर्ण दोस्तों कितना होगा, 4√2 होगा, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, समबाहु त्रिभुज अंकित किया, इसका मीनिंग क्या है, विकर्ण पर, विकर्ण की लंबाई है 4√2, यानी कि इतनी लंबाई, इतनी भुजा की लंबाई वाला एक, इतनी लंबी भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाए इनके, तो इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा दोस्तों कितनी है, 4√2 × 4√2, क्लियर है, 4 से दोस्तों 4 कट गया, ठीक, √2 × √2 बन गया, 4 × 8, ये √2 √2 बन गया, 4 × 8 और ये √2 तो कितना हो गया दोस्तों, सॉरी √3 तो कितना हो गया, 8√3। एक तो ये तरीका, दूसरा जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, यहां पे देख लीजिए, मैंने आपको दोस्तों क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि इनका जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 2√3। अगर किसी वर्ग के विकर्ण पर कोई समबाहु त्रिभुज, यानी कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई और समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई अगर बराबर है, तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल 2 तो इसका क्षेत्रफल √3 के अनुपात में। अब दोस्तों देखिए यहां भुजा दी है, वर्ग का जो है अगर भुजा दी, क्षेत्रफल निकालना आसान है, 4 × 16 क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू दोस्तों, 2 अनुपात की, हमको किसकी चाहिए, √3 की, हमने 2 से भाग दिया, 8 √3, तो आंसर आ गया। अब देखिए ये अगर हमको आता है तो ये मैंने समझाने के लिए पेन चलाया, आपके लिए बहुत आसान, कैसे आसान, 4 × 16, 2 = 16 × 8 √3, तो आंसर दोस्तों कितना आ गया, 8√3। प्लीज नोट करें जल्दी से, चलिए 5 क्वेश्चन हो गए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्या है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप एक समान, देखिए ये भी मैंने बताया हुआ है एग्जांपल में, क्या कहता है, यदि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप एक समान, यानी कि इसकी इसकी जो है 4 भुजाएं मिलकर इसकी किसके बराबर है, इसकी जो है इसका परिमाप बराबर, इसकी 4 भुजाओं का योग इसकी 3 भुजाओं के बराबर है, तो दोस्तों आपको अच्छे से याद होगा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, 3√3 × 4, ठीक है ना, ये तो बताया था। चलिए फिर से एक बार कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है, यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, ठीक है ना, क्या है देखिए जरा, यदि वर्ग का विकर्ण कितना है दोस्तों, 12√2, अब जरा देखिए तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर इसका 12√2 है विकर्ण तो इसकी भुजा कितनी होगी, 12, क्यों, भुजा रूट टू होता है, अब ये 12 तो ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, तो 12 × 4 = 48, अगर इसका परिमाप 48 है तो ये भी 48 है, अब अगर ये 48 है तो इसकी एक भुजा कितनी होगी, 16 होगी दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, आपको याद है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, आपको याद है कैसे निकलता है दोस्तों, आधा करो, स्क्वायर करो, √3 चपका दो, यानी कि √3/4 भुजा स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं, आधा करो कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर करो 64 √3 चपका दो, तो आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा, 64√3। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू शॉर्टकट क्या है, हमको याद है 12 × 12 = 144, ये दोस्तों किसकी वैल्यू है, 3√3, तुमको किसकी चाहिए, 4 की, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों 3 से भाग दे लो, 3 × 12, ठीक है ना, 2 × 3 = 24, ठीक है, √3 से भाग दे दो कितना आ जाएगा, 16 × 48, तो 16√3, 16 × 64 क्या आ जाएगा दोस्तों, 16 × 64, 64√3, अरे भाई ओके क्या आ जाएगा, 64√3। तो दोस्तों मैंने क्या रेशियो बताया था आपको उस समय याद होगा, ठीक है ना, इनका जो रेशियो बताया था, इसका क्षेत्रफल अगर 3√3 है, इसका क्षेत्रफल अगर 3√3 है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4, किस कंडीशन में, अगर उनके परिमाप बराबर होंगे, ठीक है ना। ये सब मैंने बताया, जो जो आपने याद रखा होगा दोस्तों वो आप बहुत जल्दी से करो, जल्दी करो। मेरे प्यारे साथियों, आई थिंक हो गया होगा आपका हल। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आप फटाफट पढ़िए, वीडियो पुश करके प्लीज नोट करें, ठीक है, वीडियो पुश करके नोट करें,
आंसर आया है 64√3। अगला है क्वेश्चन, कह रहा है एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20 मीटर 21 मीटर 29। अरे भाई 20 21 29 देखते ही, 20 21 29 देखते ही क्या मिल गया, समकोण मिल गया। 29 तो सबसे बड़ा, एक 20 एक जो है 21 है, ठीक है। उसने कहा खेत में 4.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च। अरे देखो खेत है कितना बड़ा, खेत कितना बड़ा है वर्ग मीटर में, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। क्लियर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 10 हो गया, कितना हो गया 210 वर्ग मीटर। अब देखिए यहाँ पे प्रति वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर का कितना देना है 4.5 देना है, 4.5 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 21 × 84 = 840, ठीक है, और 105 यानी कि 945। तो बात समझ में आ गई, कुल मिला के आपको 4.5 का गुणा कराना है तो कितना आ जाएगा आंसर 945 वर्ग मीटर। क्लियर है? जल्दी प्लीज नोट करें, सॉरी 945 रुपए। समझ में आ रहा है? हमने हमें बुझाया याद है समकोण त्रिभुज की 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17 और उसी क्रम में 20, 21, 29। और जैसे हमें पता चला कि इसमें 20, 21, 29 है, ठीक है, हमें पता चल गया समकोण है, हमने खेत का क्षेत्रफल निकाल लिया तो आया 210 वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर 4.5 रुपए, 210 वर्ग मीटर दोस्तों हल कर लिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास 7 हो गया, 6 हो गया, अब आ जाओ 8 पे। एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई। मेरे प्यारे दोस्तों समबाहु त्रिभुज बनाया, परिवृत्त यहां देखिए ये ऊंचाई है, ऊंचाई ही समबाहु त्रिभुज में माध्यिका भी होती है, यही दोस्तों यही मीडियन का भी काम करती है, ठीक है। माध्यिका अपने केंद्र से 2 भागों में बढ़ जाती है, इधर शीर्ष की तरफ कैपिटल आर और भुजा की तरफ स्मॉल आर, कैपिटल आर परिवृत्त की त्रिज्या, शीर्षों पर बने वृत्त की त्रिज्या, स्मॉल आर अंतर्वृत्त की त्रिज्या, भुजाओं पर बने वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना। चलिए परिवृत्त की त्रिज्या दोस्तों क्या रेशियो क्या होता है, जब ये 2 होती है, जब ये दोस्तों 2 होती है तो ये कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों परिवृत्त की त्रिज्या कितनी दी है 8 दी है, तो ये अंतर्वृत्त की कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, पूरी मिलके कैपिटल आर और स्मॉल आर मिलकर ही एच बनता है। तो मेरे प्यारे साथियों 8, 4, 12, जल्दी जल्दी नोट करें प्लीज, जल्दी करें, समझ में आ रहा है नोट करें, नहीं समझ में आ रहा है जहां कोई दिक्कत हो कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, इसमें दोस्तों आंसर 12 आ गया और ये भी कंप्लीट हो गया, आज हम 9 पे बढ़ते हैं। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दोस्तों क्या है 8 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल। मेरे प्यारे दोस्तों क्षेत्रफल के लिए क्या है समबाहु त्रिभुज में भुजा चाहिए होती है 8, अगर भुजा दी है तो दोस्तों आपको आता है आधा करो 4 स्क्वायर करो 16√3 चिपका दो, याद करो मेरे साथ तैयार करो, क्या भुजा दी है अगर समबाहु त्रिभुज में तो आधा करो 8 का आधा 4 स्क्वायर करो 16√3 का गुणा कर दो, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 16√3। जल्दी जल्दी प्लीज नोट करें, समझ में नहीं आ रहा है, जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से नहीं देखा, जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं उनको नहीं आएगा, ठीक है ना दोस्तों इससे, और जो है फिर मैं कोशिश करूंगा, मगर जो है जिन लोगों ने ध्यान से देखा है वीडियो उनको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी कुछ दिन पहले जो है आज से 5 से 6 दिन पहले आज दोस्तों 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल 2020, इस समय रात के जो है 9:17, 9:18 हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो है अभी कुछ दिन पहले आया था कि लेखपाल की वैकेंसी, कोरोना जो इस समय जिससे हमारा विश्व पूरा परेशान है, कोरोना महामारी के बाद जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो मेरे प्यारे साथियों तुरंत ही लेखपाल की वैकेंसी आई और ये मैं उसी के लिए मेहनत करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन 100% मेंसुरेशन से होंगे, तो उसका एक पार्ट है ट्रायंगल, वो हम लोग तैयार कर रहे हैं। चलिए दोस्तों मेरे प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन, इसका भी आंसर हो गया हमारे पास कितना हो गया 16√3।
चलिए आगे बात करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है ना। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई रूट सिक्स है, कितनी है, रूट सिक्स सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कितना होगा। अरे भाई मैंने ये देखिए, समबाहु त्रिभुज है, ऊंचाई कितनी है, रूट सिक्स, कितनी है ऊंचाई, रूट सिक्स, मैंने आपको बताया था यदि हाइट दी हो तो क्षेत्रफल। अरे मेरे प्यारे दोस्तों आप नहीं याद कर रहे हो, बोलो क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, एच स्क्वायर डिवाइड बाई रूट थ्री, क्या होता है, एच स्क्वायर डिवाइड बाई रूट थ्री। मेरे दोस्तों रूट सिक्स का होल ऑफ स्क्वायर करिए, बटे रूट तीन से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, रूट सिक्स का होल ऑफ स्क्वायर सिक्स, रूट तीन से भाग दिया, तीन दूनी छह, क्या आ गया, टू रूट थ्री। तो दोस्तों बात समझ में आ गई होगी, आंसर क्या आ जाएगा, टू रूट थ्री, ठीक है। संभव त्रिभुज की ऊंचाई दी थी, ऊंचाई अगर दी है तो क्षेत्रफल ऊंचाई का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई रूट थ्री। प्लीज जल्दी करें, दोस्तों जल्दी करें, 21 मिनट हो रहे हैं, क्वेश्चन अभी 10 हल हुए हैं, ठीक है ना, इस एवरेज से तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए हो गया दोस्तों, वीडियो पुश करके प्लीज नोट करें आगे, और हाँ सब्सक्राइब कर लो समय रहते, ऐसा ना हो यार क्या होगा, ऐसा ही होगा, क्लास तो चलेगी भाई, ठीक है, जिन लोगों ने किया है ठीक। चलिए कहता है, मुझे नहीं लगता यार मुझे इतनी बार कहना पड़ता, मुझे बहुत बैड फील होता है, ठीक है ना। कह रहा है आधार बी वाली त्रिभुज की ऊंचाई, फेसबुक पेज आपका पट जाना चाहिए, इतनी बार आप शेयर करो, और मैं जब देखूं अपना फेसबुक पेज तो जिसको देखूं, मेरे जितने भी साथी, इस समय लगभग मेरे 130 के करीब सब्सक्राइबर हो चुका है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 130 लोग जो हमसे जुड़े हैं, उन 130 के फेसबुक पेज पे हर वीडियो शेयर होना चाहिए, हर वीडियो का लिंक शेयर होना चाहिए, मुझे हर बार मैं सबको लाइक करूं, थैंक्स बोलूं, बहुत मुझे अच्छा लगेगा, बस आपका 10 सेकंड का काम है और मुझे एक नई ऊर्जा मिल जाएगी दोस्तों काम करने की, अगर आप इतना कर देंगे तो बहुत अच्छा मुझे लगेगा, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। कह रहा है आधार बी वाली त्रिभुज की ऊंचाई आधार आधार से दोगुनी, यानी कि ऊंचाई तो आप समझते हो ना, ठीक है ना, जब कोई लाइन अपने जब कोई लाइन जो है 90 डिग्री क्रिएट करे, क्या करे, 90 डिग्री क्रिएट करे, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, आधार बी, आधार कितना है दोस्तों, बी वाली त्रिभुज की ऊंचाई जो है आधार से दोगुनी है, कौन दोगुना है ऊंचाई, अगर ये बी है तो ये कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, ठीक है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो एक चीज बताओ, कहीं भी मैंने तुमको 1000 बार कहा है कि अगर कहीं आधार दिया ऊंचाई दिया तो बस चाहे जैसा त्रिभुज हो, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, क्या 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 जल्दी बोलो, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, तो b गुणे ऊंचाई 2b बटे 2, 2 से 2 कट गया मेरे प्यारे साथियों, आंसर क्या आ गया, बी स्क्वायर। प्लीज जल्दी करें, आंसर क्या आ गया, बी स्क्वायर। अरे आप बहुत स्मार्ट बनने वाले हैं, ठीक है ना, जो हमारे कई सारे ऐसे गहरे मित्र हैं, हमारे बचपन के साथी, जो कहते हैं अमित भाई मैथ नहीं समझ में आती यार, मैथ की जस्ट प्रॉब्लम, अरे दोस्त एक बार अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाओ, ठीक है ना, और उसको आप वीडियो रिवाइंड करके देखो, आपको देखना कहाँ है, आपको तो सिर्फ जो है दोषारोपण करना है। मेरे कई सारे ऐसे विद्यार्थी साथी हैं, ठीक है ना, जो कहते सर समझ में नहीं आ रहा, अरे भाई उसको कई कई बार देखो, आपको आया इसमें, मतलब भाई आप ही बताओ इसमें क्या नहीं आया, तो ऐसे हर वीडियो में आपको आएगा। चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इसका आंसर तो आपको मिल ही गया, तो ए भी हमारा हल हो गया, ए भी हल हो गया। आ जाओ कहता है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, बहुत जल्दी करो, 10 है 10 दहम 100, क्यों, एच स्क्वायर डिवाइड बाई रूट थ्री, स्पीड बढ़ने लगी, जल्दी आ जाओ, रूट थ्री 100/√3, जल्दी करो जल्दी करो, 100/√3 स्पीड बढ़ाओ दोस्तों, स्पीड बढ़ाओ, अगला आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि दो संभाव त्रिभुजों का अनुपात 1:2 है, देखो ये बात समझ में आ गई, मैं जल्दी कह जाता हूँ दोस्तों, यार इसमें है ही नहीं कुछ, ठीक है ना, तो एच स्क्वायर डिवाइड बाई रूट थ्री, आप वीडियो पुश करके देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, दो समबाहु त्रिभुजों
कि भुजाओं का अनुपात 1:2 है, समबाहु है, दोनों समबाहु है, तो समबाहु मतलब जो दोनों एक ही जैसे समरूप है, ठीक है ना, और जो है उनकी भुजाओं का अनुपात कितना है, 1:2 है, ठीक है ना, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, अरे ये क्यों आप पूछ रहे हो भाई, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, क्यों, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों 1:4 जल्दी करो जल्दी करो, सीट सरल है, अगली सीट इससे थोड़ी अच्छी होगी, अगर आप चाहोगे तो इसके और भी अगली है, ठीक है, मगर ऑनलाइन में इतना, ऑफलाइन में तो बहुत सारा है मेरे पास, ठीक है ना, चलिए अभी लेखपाल के लिए है ये ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए लेखपाल है, यूपी पुलिस है, और यूपीएसआई के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे यूपीएसआई बहुत स्टैंडर्ड लेवल एग्जाम होता है, तो इससे बहुत अलग होती है मैथ, बहुत अच्छे लेवल की होती है, बेसिक लेवल है। करा एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई गई, उस त्रिभुज का आधार कितना कम करना होगा ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, ये परसेंटेज का है और ये हर चैप्टर में ऐसा आता है। देखिए एक चीज अगर बढ़ाई जा रही है तो क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की ऊंचाई है मेरे प्यारे साथियों, अगर एक चीज बढ़ाई जा रही है तो दूसरी चीज आप कम कर दीजिए। अब देखिए उसमें कितनी बढ़ाई है, उसने बढ़ाया कितना है 10%, कितना है 1/10, 10 पर 1 बढ़ रहा है तो मेरे प्यारे साथियों कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, आपको वापस 10 लाना है, 1 कम कर दिए दोस्तों क्या हो जाएगा 10, भाई 11 पर 1 कम होगा, कितना 11 पर 1 कम होगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 1/11 की वैल्यू बता दीजिए 9 सही, 1/11%, ओके प्लीज नोट करें जल्दी से, सही है भैया, रामायण का जमाना है इनका। दोस्तों जल्दी करिए, 9:25 शाम के 9:25 24 अप्रैल 27 मिनट बीत चुके हैं क्लास के, जल्दी करिए नहीं तो पूरी नहीं हो पाएगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते रहिए इसका आंसर, 9 से 1/11 मैंने इसको परसेंटेज में पढ़ाया था, फिर मैं अभी परसेंटेज का वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा दूंगा इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। यहां पे देखिए ये एक वर्ग की भुजा और एक विकर्ण को आधार बनाकर 2 समबाहु त्रिभुज बनाए गए। अब एक बात बता दो यहाँ पे, जरा हम देख लेते हैं, एक वर्ग की भुजा अगर ए है तो दोस्तों विकर्ण कितना होगा, भुजा √2 होता है, ए √2, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज बनाया जिसमें ए थी भुजा, एक समबाहु त्रिभुज बनाया जिसमें ए √2 थी। अब आप बताओ भुजाओं का अनुपात 1:√2 है, अब आप अगर बात करो क्षेत्रफल की तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, √2 × √2 क्यों, मैंने क्या कहा 10 बार नहीं 1000 बार मैं कहा और कह रहा हूं क्या कि क्षेत्रफल जो भुजाओं का अनुपात होता है अगर हम उसका स्क्वायर करते तो दोस्तों क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 1:2। जल्दी से करें, नहीं समझ में आ रहा प्लीज कमेंट करें। हो गया मेरे प्यारे दोस्त, चलिए अगला वीडियो पुश करके दे दिया करिए और उसके बाद जो है फिर अगले क्वेश्चन पे आप पे किया करिए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है एक वर्ग की भुजा और एक विकर्ण को आधार बनाकर समबाहु त्रिभुज बनाए गए, उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, सॉरी यार ये 15 और 16 बिल्कुल सेम पैटर्न है, ठीक है ना, ये आंसर 1:2 हो गया, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, 16 तो हो ही गया ना, अब तो 17 पे बात करनी है, तो चलो भाई आ जाओ 17 नंबर आ जाओ। सोलह पे हो गई बात, 17 पे आ जाओ, कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है, समबाहु है अरे भाई कला, अभी जब सब दोस्तों इसमें जब सॉफ्टवेयर अपलोड हो जाएंगे ठीक है तो ये सब दिक्कतें नहीं होंगी तब से बहुत मजा आएगा। अभी असल में लॉकडाउन के होली के मैं तुरंत बाद लाया, अभी ये इंस्टॉल भी नहीं हुआ है तो मैं इसको अकेले इसकी बेसिक सरफेस पे पढ़ा रहा हूँ, और जब आप क्लास में आएंगे जब हमारी आपकी फेस टू फेस मुलाकात होगी तो दोस्तों वाकई बहुत अपनी क्लास में मजा आने वाला है।
आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, आपको कभी भी पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतना मजा आने वाला, क्यों? सारी चीजें ऑन द स्पॉट कंपेयर करके। भाई आपके सामने दो लड्डू रखे हैं, ठीक है, एक बूंदी लड्डू एक बेसन लड्डू आपको दिखाई दे रहा है सामने, अगर आप एक हम दे दें और दूसरे के बारे में सिर्फ कल्पना करवाएं दोस्तों कि बूंदी वाला ऐसा होता होगा, तो सिर्फ आप कल्पना करते उतनी चीजें नहीं बेहतर लगती है। तो यहाँ पे कंपेरिजन हो सकता है, यहाँ पे आपको विजुअल बेसिक दिखाई देगा दोस्तों। जब ये बोर्ड इंस्टॉल हो जाएगा आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला, प्रॉमिस है आपसे। आपको आप सिर्फ तीन क्लासे दो क्लासे लेके देखिएगा, आपको आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको जो अभी तक आप कहते थे साहब मैथ कम समझ आई, अरे भाई मैथ तो ऐसी आएगी कि आप कह भी नहीं पाओगे, ठीक है ना, मैथ पहले भी आपको समझ नहीं आती थी। कह रहा है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 है दोस्तों, ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई कितनी है 4√3। पहले दोस्तों क्वेश्चन बोलने पड़ते थे, टाइम लगता था, यहाँ सब कुछ आपको आपके सामने होगा, ठीक है ना। 4√3 मैं आपसे पढ़वाता था, उसमें समय लगता था, बहुत सारी चीजें होती थी, सारी विसंगतियां दूर होंगी। इसके परिवर्त के क्षेत्रफल और इसके अंतर्वर्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, दोस्तों एक बात बता दें इसको तो गोली मारो, हम एक और आपसे चीज पूछते हैं। यहाँ पे ये ऊंचाई है, यही मेडियन होती है, ये अपने केंद्र से दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसका अनुपात कैपिटल आर 2 होता है, स्मॉल आर 1 है। अब जब इनकी ये देखिए, ये परिवृत्त की त्रिज्या है और ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या है, ये बड़ा वृत्त होगा एक ऐसा छोटा। अब अगर इसका इसकी रेडियस 2:1 में और इसकी रेडियस 1:1 में है तो इसका क्षेत्रफल 4, इसका क्षेत्रफल 1, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, क्षेत्रफल स्क्वायर। अब ये चाहे जितना हो वैल्यू यहाँ पे कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता है, क्यों? अगर हमसे ये कहा जाता कि इनका क्षेत्रफल कितना है तो हमें हल करना पड़ता इस वैल्यू से। हमसे क्या कहा गया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया अनुपात कितना है, हमसे क्या कहा गया, हमसे अनुपात पूछा गया। अनुपात तो चाहे कुछ भी हो भाई, एक चीज बताओ, तुम्हारे पास 40 रुपए हमारे पास 80 रुपए, तो तुम्हारा और हमारा अनुपात 1:2, तुम्हारे पास 300 हमारे पास 600, अभी तो 1:2 है ना, तो अनुपात तो ही जाएगा, अनुपात नहीं बदलने वाला मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई, प्लीज नोट कर लें, वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, ओके। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब देखिए यहां से ओरल करना शुरू, एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त क्या होता है, कैपिटल आर 2:1 में होती है, तो स्मॉल आर 1:1 में होती है, ये 8 है, तो दोस्तों अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उस त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी हो गई दोस्त, 4 हो गई। लो पेनी नहीं चलाना, लो भाई ये तो बड़ा बड़ी बात हो रही है, अब तो पेनी नहीं आपको चलाना पड़ रहा है, अरे ये देखो ये स्मॉल आर, ये 2:1 में होती है। चलिए, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:36 है, शीर्ष लंब, यार क्षेत्रफल तो स्क्वायर में रहे होंगे, क्षेत्रफल किसमें रहे होंगे, ये वाला हटा दो, क्षेत्रफल किसमें रहे होंगे, स्क्वायर में, तो भुजाएं किसमें रही होंगी, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। लो बिना पेन चलाए हो रहा है दोस्तों, वहीं पे होने लगा, देखो आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है। आपको अभी भी मैं बता चुका हूं क्षेत्रफल स्क्वायर में, क्षेत्रफल दिया है तो भुजाओं किसमें होंगी, रूट निकाल दो उनका, उल्टा कर दो सॉरी। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर है, ठीक है। कह रहे हैं किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र की भुजाओं की माप 30 मीटर 72 मीटर 78 मीटर, यार बड़ा लंबी जो है, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दी हैं, 30, 72, 78, मगर जब मैंने एक बार देखा इनका अनुपात बना के दिमाग में, भाई देखो गणित पढ़ रहे हो तो स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं स्मार्ट बोर्ड भी लाया आपको स्मार्ट बनाने के लिए, ठीक है ना, स्मार्ट तो आपको बनना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही आपने देखा कि यार ये 30 लिखा 72 लिखा 78 लिखा, आप देख रहे हो आप कोई रेशियो बना सकते हो किससे कटेगा यार ये, तो आप ये देखिए अगर इसको 6 से डिवाइड करें, 6 × 5 = 30, 12 × 72 = 78, अरे ये तो मिल गया, ये अनुपात क्या मिल गया, 5 × 12 = 13, यानी कि आपको पता चल गया भैया समकोण ही होगा, भुजाएं भाई भुजाएं आप कुछ भी लिखो रेशियो तो वही है, ठीक है ना, रेशियो वही। अब उसने क्या कहा, 72 मीटर, भाई देखो 78 तो भूल ही जाओ आप, क्यों 78 भूल जाओ, ये तो कर्ण है, फिक्स है, सबसे बड़ी है, आपको कह रहे ये डिक्लेयर करना होता 30 और 72 में या आर आर लंग में कौन किसकी साइड है, ठीक है ना। चलिए कह रहा 72 मीटर भुजा
72 मीटर माप वाली भुजा के शीर्षलंब की लंबाई, यानी कि 72 शीर्षलंब नहीं है, शीर्षलंब 72 नहीं, क्यों, इस पर शीर्षलंब खींचा गया, उसकी लंबाई पूछी गई। तो आधार एक तो भाई बची तो दो ही चीजें, लंब आधार, लंब है नहीं तो 72 क्या हो गया, 72 मीटर हो गया आधार। तो मेरे प्यारे दोस्त तो बचा कितना 30 मीटर, यही लंब लंब की लंबाई पूछी। देखिए कितना आसान, क्यों, रेशियो याद, 5 12 13, जल्दी करिए प्लीज। कुछ साथियों का फोन आया था, सर मेंस्ट्रुएशन मुझे कम समझ में आती है, उन्होंने वीडियो ही नहीं देखा। यार आप 3 से 4 बार उसको वीडियो रिवाइंड तो करो, आप करोगे तब होगा, दोस्त करना चाहते नहीं हो, ठीक है ना, तो होगा भी नहीं। चलिए दोस्तों आगे 21 नंबर क्वेश्चन, नोट करते रहिए और उससे भी इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करते रहिए, उससे भी इंपॉर्टेंट शेयर करते रहिए, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़ते हैं। करा एक सब रोज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना, अरे भाई वही पुराना क्वेश्चन, ऊंचाई ऊंचाई जल्दी बोलो 15, क्षेत्रफल जल्दी बोलो h² / √3, कितने बार बताऊंगा, 15² 225 / कितना, √3, रूट वाली संख्या से भी मैंने भाग देना सिखाया है, वैसी ये जो अंदर संख्या लिखी इसे भाग दे लो, बाद में इसी के आगे लिख देना इसको, 3 7 21, 1 5 15 हुआ, 3 5 15, खत्म हो गया, √3 से भाग देना दोस्तों, आंसर दोस्तों आंसर 75 √3, h² / √3, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। देखो ये हम बता देता हूं जरा, देख किसी भी संख्या जैसे अभी आपने 225 में ही √3 का भाग दिया, तो ये क्या होता है, कॉन्जुगेट करना होता है, ऊपर नीचे √3 से गुणा, तो √3 √3 क्या बन जाता है, 3 बन जाता है। अब देखिए 3 7 21 3 5 15, तो ये हो जाता, तो मैं इसी को सरल भाषा में क्या कह जाता हूं, 225 / √3 लिखा है, तो हमें याद है हमने √3 की जगह किससे भाग दे लिया, 3 से भाग दे लिया, 75 आ गया, हमें पता है √3 × √3 3 होता है, ऊपर 1 √3 रह गया होगा, हम सीधे वहां गुणा करके लिख लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए जल्दी करिए नोट करिए प्लीज। हो गया मेरे प्यारे दोस्त, तो हमारे पास 20 सॉल्व हो गया, हमारे पास 21 सॉल्व हो गया, अभी हम लोग 22 करने वाले हैं। चलिए 22 पढ़ जाइए भाई, अरे पढ़िए यार, आप ही कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं पढ़ो। चलो हाँ, क्या लिखा है, कह रहा है एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाइयां 15 मीटर 20 मीटर 25। अरे हमको कुछ लग रहा है यार कि इसमें कुछ है ना कोई तो फंक्शन है, क्या है देखा जरा, 5 3 15 5 2 20 55 25, अरे ये तो है भाई 3 4 5, ये तो संपूर्ण दिखाई दे रहा है, ये रेशियो है 3 4 5, तो यानी कि 25 तो कहीं नहीं गया, ये तो फिक्स हो गया कर्ण है, क्यों, 5 सबसे बड़ा है, 5 × 25। अब देखिए उसने कहा क्या, इसको आगे पढ़ लेते हैं, कह रहा है 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने का, बीज तो खेत के अंदर बोगे, यानी कि हमको क्षेत्रफल पता करना है, तो यहाँ कोई कहीं नहीं लो, ठीक है ना, हमें तो भाई आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 करना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20 × 15/2, ठीक है, ये हो गया 10 15 150 मीटर² तो क्षेत्रफल। अब एक वर्ग मीटर में 5 रुपया, तो दोस्तों 15 × 75 750 रुपया, इज दैट क्लियर, जल्दी करो जल्दी। दोस्तों 25 क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे, 25 क्वेश्चन जस्ट अगले वीडियो में होंगे, ठीक है ना, जल्दी करें प्लीज, आगे आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 23 पे, क्वेश्चन नंबर 23, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 3 4 तथा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल, एक बात आपको बचपन से पढ़ाई गई, और जो बचपन में पढ़ाया गया कहते साहब वही तो मन से नहीं पढ़ा, तभी तो मन नहीं लगता था, ठीक है ना, अभी इसीलिए ये सब कक्षा 5 तक की गणित है। एक बात बताओ, आपने बचपन से अगर नहीं पढ़ा मगर सुना जरूर होगा, याद होगा, हर चीज हमको याद होगी, क्या पता है क्या है, आपने ये सुना होगा कि किसी भी दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है, दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, 2 छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, यानी कि यहां a + b = c होना चाहिए,
या 100% फिक्स है, दो छोटी भुजाओं का योग। यहां पे क्या लिखा है, तीन है चार है, दो छोटी भुजाएं, तो चार तीन कितना हो गया, सात हो गया, और ये तो तीसरी भुजा से लेस देन हो रहा है। अगर लेस देन होगा तो कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ये मैंने नहीं बनाया, किताब से नहीं है, ये एग्जाम में आया हुआ है, जो एग्जाम जो प्रीवियस पेपर होते हैं मैंने उसी से सिलेक्ट करके लिखाया है, कह रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न में त्रुटि है, क्यों, कभी भी दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम नहीं हो सकता है। चलिए नोट कर लीजिए, तो बात समझ आई, ये भी याद रखिए, दो छोटी भुजाओं का, ये देखिए अब याद आ गया होगा, अब आप सर पे ऐसे कर रहे हो, सर पकड़ रहे हो, अरे यार ये वाला तो याद था, गलती हो गई, ठीक है ना। चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास 23 का आंसर हो गया, 23 भी हो गया हमारे पास, ठीक है ना। तो ये सब साफ कर लेते हैं क्योंकि आगे बढ़ाना है, तो आंसर भी आप करते रहिए और दोस्तों सब्सक्राइब भी करते रहिए। 23 हो गया ना, अब आ जाओ मेरे प्यारे साथियों 24 पे, ठीक है, लॉक कर देते हैं। 24 नंबर एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत इनकी भुजाएं 15 तथा 8, एक दूसरे के लंबवत, लंबवत मतलब एक आधार एक ऊंचाई, ये नहीं उसने कहा कौन सी 15 कौन सी 8, जो मर्जी हो लिख लो। अब देखो ये तो तुमको पता चल गया, 1 15 1 8, तो आपको तुरंत ही याद आ गया, अरे सर आपने क्या बता दिया, अरे भाई 8 15 17 बताया, आपको याद होगा, खत्म हो गया यार। अब उसने क्या कहा, इसका परिमाप, यानी कि परिमाप तो आप समझते हो, परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है ना। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो दोस्तों जोड़ लो, ठीक है, 15 15 30 10 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में था 40 सेंटीमीटर, इज दैट क्लियर। चलिए जल्दी नोट करिए, 8 देखिए यहां भुजाएं काम आ गई, 8 15 17, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका जो परिमाप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। प्लीज जल्दी करें, 26 कर लेते हैं, 24 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। हो गया, अगला है 25 है, एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर है और कर्ण 13, भैया एक सेकेंड, आधार 5 कर्ण 13, अरे भाई और कह भी दिया समकोण, ना भी कहते तो भी दिख रहा था, और कह भी दिया समकोण, तो ये कितनी होगी, 12, क्यों, याद है ये सर, आप परेशान मत हो, याद है, क्या याद है, 5 12 13, मैंने बताया 3 4 5 6 8 बोला करो मेरे साथ, क्या मैं बोल रहा हूँ, 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41, तो उसी तरीके 5 12 13। अब देखिए उसने क्या कहा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 नहीं पता था, 12 पता हो गया, क्षेत्रफल आपको आता है, क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 2 6 12 6 5 30 वर्ग मीटर। ओके डन, जल्दी करें प्लीज, चलिए दोस्तों मैं सोच रहा हूँ इसी वीडियो में पूरा कर लूँ 50 क्वेश्चन, जैसा होता है अगर वीडियो नहीं ऑटोमेटिक बंद होता है, क्योंकि अभी तो जब कोरोना के बाद जो है लॉकडाउन खुलेगा तभी सारी व्यवस्थाएं आ पाएंगी। दोस्तों आप सिर्फ अपने घर में रहिए, ठीक है, बाहर मत निकलना, अदरवाइज उसी दिन से वीडियो बनाना बंद। एक समबाहु त्रिभुज, अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है, त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए, बेहद सरल है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी क्या होता था √3/4 भुजा स्क्वायर, और यहाँ पे भुजा दी होती थी, हम लोग क्षेत्रफल निकालते थे। अब क्या क्या है, भुजा पूछी है, क्षेत्रफल दोस्तों कितना दिया है, क्षेत्रफल दोस्तों कितना दिया है, 25√3। अब यहाँ पे जरा देखने वाली बात है, रूट थ्री इधर जाएगा, हमें भाई ए की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ भुजा ए है, पहले तो ए स्क्वायर अलग छोड़ दो, उसको पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे, तो 25√3 ये उल्टा हो जाएगा, 4 ऊपर √3 नीचे, √3 से √3, देखो ये गुणा कर लिखा होता, ठीक है ना, 25 चौके 100, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 100, तो दोस्तों ए बराबर 10,
ए बराबर 10। तो दोस्तों भुजा कितनी आ गई 10, उसमें भुजा ही पूछी थी कितनी हो जाएगी 10। जल्दी नोट करें, इसका शॉर्टकट भी बता देता हूं फिर। दोस्तों इसमें बहुत छोटी सी बात है, कोई शॉर्टकट जो है ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, आप याद करो आपको मैंने सिखाया क्या ओरल वाला, भुजा का आधा करो स्क्वायर करो रूट थ्री का गुणा कर दो या चिपका दो अपनी भाषा में, पहले आधा किया होगा फिर स्क्वायर किया होगा और फिर रूट थ्री चिपकाया होगा। तो तीन काम है, आधा याद करने वाली बात है ठीक है ना, आधा उसके बाद स्क्वायर और रूट थ्री का गुणा, तीन काम है। ये हटाओ, यही तो लिखा है ना। अब देखो स्क्वायर किसका किया था, किसी वैल्यू का स्क्वायर किया था ये, तो ये किसका स्क्वायर लिखा है पांच का, किसका लिखा है पांच का, ये आधा करके लिखा था तो ये अगर पांच आधा है तो पूरा कितना होगा दस, खत्म हो गया। याद करने वाली बात, समझने वाली बात, यहां कोई रट्टा थोड़ी ना मारना है, जीएस थोड़ी ना है ठीक है ना। क्या है, आधा करो स्क्वायर करो रूट थ्री चिपका दो, उल्टा करो रूट थ्री हटा दो, स्क्वायर किसका, ये किसका स्क्वायर है पच्चीस, पांच का ये आधा है, ये पूरा कितना हो गया दस हो गया, बिना पेन चलाए लगेगा। ओके दोस्तों चलिए, तो हम लोग बात करते हैं 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 की। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बेसिक सीट है इसलिए समय कम लगेगा ठीक है। समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 है ठीक है ना, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऊंचाई कितना आसान, एच बराबर क्या होता था जल्दी बताओ, भुजा रूट तीन बटे दो, यानी कि आधा करो आधा करो रूट थ्री चिपका दो, आधा तीन रूट थ्री चिपका दो। दूसरा एक और भी तरीका, ये समझ में आ गई बात, आधा करो रूट थ्री चिपका दो, यही तो फार्मूला लिखाया था। आप देखिए मेंस्ट्रुएशन क्लास थ्री उसमें लिखा है मैंने, क्या होता है भुजा रूट थ्री बाई टू, इसका और भी तरीका है, इसको आप और भी समझ सकते हैं। आपको याद होगा ये कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं ठीक है, तो दोस्तों तीनों कोण भी बराबर होंगे 60 60 60, तीनों 80 होते 180 होते हैं 60 60 60। अभी हमने लंब डाला उसी को तो ऊंचाई कहते, ये हो गया 90। अब देखो ये 90 ये तो बदला नहीं, ये तो 60 का 60 है, ये हो गया 30। अब ये समकोण बन गया, समकोण त्रिभुज में 60 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण की आधी रूट थ्री होती है, क्या होती है आधी रूट थ्री होती है ठीक है ना। तो ये भैया आधा कर दो तीन रूट थ्री चिपका दो, हाइट हो गई खत्म हो गया। तो दोस्तों कितना आ गया आंसर, थ्री रूट थ्री, जल्दी करो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 है। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम समद्विबाहु कहो या दुनिया का कोई बाहु कहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों, कारण बताओ, फर्क पड़ना क्यों इस क्वेश्चन में बंद हो गया, उसका कारण है आधार 12 है और ऊंचाई 9 है। अब जैसे ही हमको पता है कहीं भी अगर आज किसी त्रिभुज की जब बात कर रहे होते हैं आधार ऊंचाई अगर एक साथ मिल जाए तो बड़ा खुशी होती, क्यों, क्योंकि यार उसका क्षेत्रफल निकालना बहुत कम काम होता है, आधार गुणे ऊंचाई, जरूरी नहीं सिर्फ समकोण, अरे भाई ऊंचाई हो आधार, आधार गुणे ऊंचाई बटे दो दूचन 12 नचकर 54 वर्ग सेंटीमीटर, क्लियर है। तो दोस्तों आंसर कितना आ गया 54 वर्ग सेंटीमीटर, जल्दी करें प्लीज, ये भी क्वेश्चन हो गया। हो गया दोस्तों, चलिए अगला करते हैं, अगला करना ही नहीं है, अगला देखिए यहां 29 नंबर। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 है आधार 8 है, आपको पता चल गया समकोण त्रिभुज तो भुजाएं क्या होती हैं 6 8 और जल्दी बोलो, बोलो ना 6 8 10, खत्म हो गया भाई, कर्ण की लंबाई तीसरी क्या हो जाएगी 10, तो बात समझ में आ गई 6 8 10 समकोण त्रिभुज। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, ये तो हो ही गया भाई, ऐसे कर दो, आ जाओ 30 नंबर पे। एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार 5 और 12 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अरे भाई ये 5 है ये 12 है, आधार और लंब है तो समकोण तो ही है ठीक है ना, तो आधार गुणे लंब बटे दो क्षेत्रफल, 2 6 12 5 का 30। तो दोस्तों प्रैक्टिस होने लगी, समझ में आने लगा, स्पीड बढ़ने लगी, क्लियर है ना, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। क्या है आधार गुणे ऊंचाई बटे दो, आधार लंब 5 ठीक है ना, आधार 12, आधार गुणे लंब बटे दो, ऊंचाई लंब बात एक ही होती है। तो दोस्तों 30 तक तो हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है।
दोस्तों जल्दी करो, 10 बजने वाला है रात के। इसके बाद आ जाओ 31। पता है सबसे ज्यादा बैड फील कब होता है? इतनी इतनी मेहनत करने के बाद जब आप लोग उसके नोट्स बना के हमें व्हाट्सएप नहीं करते हो। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है 10√2 सेंटीमीटर। समद्विबाहु है यानी कि दो भुजाएं बराबर, समकोण भी है तो ये बराबर है। कर्ण कितना है? 10√2। उसका लंब और आधार ज्ञात कीजिए। एक चीज बताओ, लंब और आधार तो बराबरी होगा, क्यों? समद्विबाहु है, ठीक। अब देखो ये है कितना 90, तो यार तीनों कोणों का योग 180 है, 90 निकल गया। कितना निकल गया? 90 निकल गया, तो बचा कितना? 90। दोनों बराबर बराबर होंगे, क्यों? दोनों भुजाएं बराबर। कितने कितने होंगे? 45। अब 45 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण की आधी √2 होती, आधा करो 5√2 गुणा करो √2 का, कितना हो जाएगा? तो √2 × √2 हो जाएगा, यानी कि आप इसको क्या कह सकते हो? 5 × 2 यानी कि कितना कह सकते हो? 10 सेंटीमीटर। तो आपको बात समझ में आ गई, आपको बात समझ में आ गई। ये कितना हो जाएगा? आधा √2, यानी कि आधा कितना? 5√2, उसमें √2 का गुणा, तो √2 × √2 2, ठीक है। तो 5 × 10, अगर ये 10 तो मेरे प्यारे साथियों ये भी तो 10 ही होगी। तो आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 31 था। और आंसर कितना आ गया? 10। जल्दी करें प्लीज। मैं देखता हूँ, मुझे बहुत बैड फील होता है, मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए। मैं देखता हूँ कि यार इतनी मेहनत से, इतनी देर रात तक लगातार वीडियो बनाने के बाद जो है उसमें जब मैं वॉच टाइम देखता हूँ तो 2 से 3 घंटे, मुझे बहुत बैड फील होता है। सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुझे कोई उसकी ज़रूरत है, मुझे कोई उससे अर्निंग है, अर्निंग की कोई बात नहीं है। बस मैं ये देखता हूँ कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो सही दिशा में है या नहीं है। अगर दोस्तों सही दिशा में है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज शेयर करते रहिए, जिससे सब्सक्राइबर बढ़े, ठीक है ना। और आप पूरा वीडियो देख के आप नोट्स बना के हमें जरूर भेजें। क्या किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर, उसका कर्ण ज्ञात कीजिए। दोस्तों आ गया फिर से वहीं पे, ठीक है। समद्विबाहु और समकोण, समकोण भी बना लिया और समद्विबाहु भी बना दिया, ठीक है। अब आपको बताइए, हमने आपको इसमें क्षेत्रफल क्या पढ़ाया था? समद्विबाहु समकोण, जाओ जरा पीछे क्लास नंबर मेंशन क्लास 3 में क्या मैंने सिखाया था कि कर्ण का, ओ माय गॉड, कर्ण का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय 4। दोस्तों यहाँ पे कितना है? 64 है दोस्तों, ये 4 उधर चला जाएगा, यानी कि जो है कर्ण का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 64 × 4। तो अगर हमको कर्ण चाहिए, हमको क्या चाहिए मेरे साथियों? कर्ण चाहिए, तो क्या करो? अंडर रूट निकाल दो भाई, ठीक है ना। हमको क्या चाहिए? कर्ण चाहिए, ठीक है। तो क्या करो? अंडर रूट निकालो। 64 का कितना होता है? 8। 4 का कितना होता है? 2। तो दोस्तों 8 × 16 सेंटीमीटर, इज दैट क्लियर? तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? 16। फॉर्मूले याद रखो बस। समद्विबाहु समकोण, अगला क्वेश्चन 33 दोस्तों बात करने वाले हैं। 33 वीडियो पुश करके प्लीज नोट करें। 33 कहता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर से समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु, अरे जब इसके सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे तो ये फिर दिक्कत नहीं होगी, फिगर टेढ़ा नहीं हुआ करेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक कवर कर लेगा। कह रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका आधार ज्ञात कीजिए। अब देखिए आधार है, आधार क्या है? मान लीजिए देखो समद्विबाहु समकोण है, दोनों बराबर रहे होंगे, बात समझना हमारी। अगर ये ए थी, ये ए, तो आधार गुणे समकोण में क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि ए गुणे ए बटे 2, यानी कि ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यही तो क्षेत्रफल है। बराबर कितना है? 36 है, तो ए स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? 36 × 72, तो दोस्तों ए बराबर 36√2, क्लियर है। तो दोस्तों इसकी भुजा कितनी आ जाएगी? 6√2। तो आधार क्या हो गया? 6√2, बात समझ आ रही है, ठीक है ना। देखो आधार ये है, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, ठीक है।
और दोनों बराबर हैं। जल्दी करो दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 पर बात कर रहे हैं। 34 क्या है, कहता है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर से आ गया समबाहु, भुजाएं कैसी होंगी इसमें, बराबर होंगी। क्षेत्रफल कितना है 400√3, कितना है 400√3, ठीक है ना। इसका परिमाप यानी कि सबसे पहले तो हम भुजा ही पता कर ले, हम क्या पता कर ले भुजा, तो एक तो आपके पास फार्मूला है, क्या है √3/4 भुजा स्क्वायर, क्या है √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। या मेरा वाला तरीका क्या है, पहले आधा किया गया होगा, फिर स्क्वायर किया गया और फिर √3 चिपकाया। अब पहले तुम क्या करोगे, √3 हटाओगे, ठीक, फिर अंडर रूट निकालोगे, कितना 20, अब वो आधा करके लिखा तो ये कितना हो गया 40, ये भी 40, ये भी 40, यानी कि परिमाप कितना हो गया, परिमाप कितना हो गया 40 40 40, तो 120 सेंटीमीटर, इज दैट क्लियर। और नहीं तो आप फार्मूला हट के कर लो, ठीक है ना, ये इधर जाएगा पलट जाएगा, और हल कर लो, एक ही वैल्यू निकाल लो, क्लियर है। तो दोस्तों उसमें फिर 3 का गुणा कर दो, क्यों परिमाप चाहिए, जल्दी करो। क्वेश्चन 34 हो गए। सोलह क्वेश्चन और हैं दोस्तों। अंग्रेज 35 नंबर कह रहा है 12 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर। अरे इसमें तो हमको कुछ यार नजर आ रहा है बड़ा कुछ, 12 16 20, अगर हम इसको ऐसे करें 4 3 12 4 4 16 4 5 20, अरे ये तो समकोण पता चल गया, ये क्या मिल गया, ये समकोण मिल गया, कैसे, ये 3 4 5 का रेशियो लिखा है, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे बड़ी भुजा 20 हो गई। अब उसने क्या कहा है कि भुजाओं वाले त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, परित्रिज्या दोस्तों कितनी होगी, तो परित्रिज्या क्या होती है भैया, कर्ण का आधा कितना होता है 10 सेंटीमीटर, ये कैपिटल आर आई। अगर यही मेरे प्यारे दोस्तों स्मॉल आर पूछता है, यहां तो 10 हो गया, परित्रिज्या 10 हो गई, अगर गलती से स्मॉल आर पूछता तो दोस्तों ये नहीं, ये तो रेशियो है, ठीक है। भुजाएं कौन सी हैं, भुजाएं तो यही हैं, तो हम क्या करते हैं, दो छोटी भुजाओं के योग से बड़ी भुजा को घटाते, 12 + 16 - 20/2 करते, 16 और 12 कितना हो जाता, 16 10 26 2 28 से 20 गया, यानी कि 8/2, यानी कि स्मॉल आर दोस्तों अगर पूछी जाती तो कितनी आ जाती 4, ओके नोट कर लो, हमें तो कैपिटल आर पूछी गई थी, तो दोस्तों कितनी हो जाएगी 10। समझ में आ रहा है ना पक्का, चले मेरे प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, वीडियो पुश करके नोट करें। आप रामायण देख रहे होगे, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, आप तो वीडियो किसी भी टाइम देख सकते हो, कितनी अच्छी किस्मत है आपकी ना, मेरी भी अच्छी थी जब मैं स्टूडेंट था, अभी खराब हो गई है जब से टीचर हो गया पिछले 11 सालों से। क्यों, आपसे रिक्वेस्ट करना पड़ता, प्लीज सब्सक्राइब करो, ठीक है। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए, दुनिया का ये समबाहु की ही बात नहीं, यहाँ पे कोई होता, ठीक है ना, भुजा कैसी हो गई, दोगुनी हो गई, तो क्या कहता है, अन्य त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इसमें a है, एक और कोई है तो इसमें 2a है, ठीक है ना, तो पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात k गुना हो जाएगा, इसका जितना था उससे ये k गुना हो जाएगा, k की वैल्यू, तो दोस्तों अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 4, क्यों 1 का रेशियो 1 2 का रेशियो 4, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 4k, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, क्लियर है। क्यों भाई, भुजा 2 गुनी तो क्षेत्रफल 4 गुना, भुजा 3 गुनी क्षेत्रफल 9 गुना, भुजा 4 गुनी क्षेत्रफल 16 गुना, भुजा 5 गुनी क्षेत्रफल 25 गुना, यार स्क्वायर में होता है, बस बात खत्म, ओके। चलो मेरे प्यारे दोस्तों अगला, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप, तो भुजाएं तो याद है क्या होती है 3 4 5 6 8
6, 8, 10, 5, 12, 13, 7, 24, 25 ऐसे और उसने क्या कहा लगातार आने वाले पूर्णांक, पूर्णांक मतलब गिनती वाला, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या मिल गया, देखिए ये सीक्वेंस लिखा 3, 4, 5 और कहीं नहीं होता है ऐसा, सिर्फ यही है, ये फिक्स आंसर है, ठीक है ना। अब उसने क्या कहा है, तो इसका क्षेत्रफल यानी कि कोई संपूर्ण त्रिभुज है, ठीक है, एक 3 है, एक 4 है, ये 5 है, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 दोस्तों, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 4 × 3/2, 2 × 4, 3 × 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो दोस्तों बात समझ में आ गई होगी, आंसर है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। लगातार आने वाले सिर्फ 3, 4, 5 होते हैं। अब देखिए आज आपको पता चल रहा होगा, जब मैंने तीसरी क्लास में लिखाया भैया लिखो 3, 4, 5, 6, 8, 10, अरे यार ये सब क्या है, तो आप जो मेरे हिसाब से बने आप उसी दिन का आ, अगर आप मेरे हिसाब से तैयार करोगे तो दोस्तों हर चीज बिना पेन चलाए लगेगी। ओके चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, फिर बात करते हैं आगे, क्या कहते हैं, एक संभव त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए इकाई माप वाली है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अरे भाई संभव त्रिभुज की भुजा ए है तो क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, खत्म हो गया। तो दोस्तों क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ओके तो याद है ना, दोस्तों 39 में हिंदी थोड़ी सी गलत लिखी है, चलिए इसको साफ करते हैं। 39 में हिंदी क्या गलत लिखी जरा पढ़िए, एक संभव त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4√3 वर्ग सेंटीमीटर, दोस्तों ये गलत लिखा है, वर्ग नहीं होना चाहिए क्योंकि भुजा जो है सिंगल डायमेंशन चीज है, ठीक है ना, ये 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये वर्ग नहीं होना चाहिए। ओके ये जो है सेंटीमीटर, तो सॉरी अभी मैंने तुमको बताया ना कहीं से थोड़ा बहुत गलती हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे करेक्शन भी करवा रहा हूँ, एक समभुज त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है दोस्तों 4√3, क्या पूछा दोस्तों ऊंचाई, अभी मैंने बताया आधा करके √3 का गुणा, ठीक है, आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 2√3, फिर से √3 का गुणा, तो दोस्तों √3 कितना हो गया 3, 3 × 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है, आधा करो √3 चुपका दो ऊंचाई के लिए, क्योंकि भुजा √3/2 या भुजा बाई 2√3, ठीक है, बुढ़े √3, जल्दी करिए दोस्तों 38 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, सॉरी 39 तक पहुंच चुके हैं, आगे आ जाइए 39 के बाद आ जाओ 40 में, ठीक है, तो इसको लॉक किया जाए, साफ कर दो। चलो भैया 40 पढ़ो जल्दी से, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई। अब दोस्तों देखिए समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, क्षेत्रफल दिया है, ठीक है ना, और भुजा पूछिए, आपको वही पुराना तरीका है कि देखिए क्या था, मैंने बताया था आधा करो स्क्वायर करो √3 चुपका दो, अब यहाँ √3 बाद में चुपका होगा उसको हटा दो, स्क्वायर किसका है ये 2 का है, इसको पूरा कर दो कितना आ जाएगा 4, तो दोस्तों भुजा कितनी रही होगी 4, नहीं तो देखो √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया है 4√3, पलट क्या आएगा √3 से √3 कट जाएगा, ये उधर जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, तो दोस्तों ए बराबर कितना हो जाएगा 4, खत्म, ये भाई ये इधर जाएगा, जल्दी करो आंसर दोस्तों कितना आ गया, हमसे क्या पूछा है भुजा की लंबाई, तो कितना आ जाएगा 4, जल्दी करिए। कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा 5 सेंटीमीटर, बोलते बोलते गला एकदम सूख जाता है, कह रहा है कि ये तो 40 तो हो गया ना, कह रहा है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा 5 सेंटीमीटर हो, दोस्तों अगर आपने इसको ये यहां है समद्विबाहु, देखिए दो बातें थी ध्यान से पढ़ना है, समकोण बनाने वाली भुजा समकोण ये बना रही है, ये कितनी है दोस्तों 5, अब उसने क्या कहा समद्विबाहु है, ये भी तो 5 ही होगी, क्यों ये तो बराबर नहीं होनी, कारण है समकोण लिखा है, कारण है ये कर्ण है, कर्ण जो है बड़ा ही है होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल बड़ा होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कर्ण की लंबाई, तो ये क्या है,
ये 45 अंश, ये 45 है, ये 45 है, 45 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण की आधी रूट टू होती है। तो दोस्तों ये आधा करके रूट टू का गुणा किया गया होगा, इधर आप चले जाओ, ठीक है, इसको पूरा कर दो, आधा का पूरा करो, पांच दूनी दस, रूट टू से भाग दे दो भाई, इधर आने गुणा तो इधर आने भाग, तो दोस्तों दस में है, अगर हम रूट टू से भाग देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, पांच रूट टू। अगर ऐसे नहीं आप करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, क्या होता है, आधार का होल हाफ स्क्वायर प्लस लंब का होल हाफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, ये किसका होता है, कर्ण का होल हाफ स्क्वायर, यानी कि कर्ण का होल हाफ स्क्वायर कितना जो है 50 होगा, तो हमें कर्ण चाहिए, तो कर्ण बराबर दोस्तों 50 का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा, 25 रूट टू, खत्म हो गया। जल्दी करें तो आंसर दोस्तों हमारे पास कितना आ गया, 5 रूट टू। चाहे हमारी भाषा समझो, ये आधा रूट टू है तो ये पूरा रूट टू है, खत्म कर दो उसको। ये सब याद करो, 30 अंश के सामने वाली भुजा समकोण त्रिभुज में, 30 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण की आधा होती है, कर्ण की आधी होती है, 45 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण की आधी रूट टू होती है, 60 अंश के सामने वाली भुजा जो है कर्ण की आधी रूट थ्री होती है। दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, मेरे प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, मेरे प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है उस समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करें। बहुत आसान है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है दोस्तों, 6√3, कितनी है, 6√3। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ऊंचाई, ठीक, और नहीं निकालेंगे तो हमारे पास तो डायरेक्ट भी फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला क्या है, कैपिटल आर का जरा बता दो क्या है भाई, क्या है, भुजा बटे 2√3। देखिए भुजा कितनी है दोस्तों, 6√3 बाई 2√3, कितना आ जाएगा, 2 × 3 = 6, नहीं यार सॉरी गलत है, ये स्मॉल आर होता है, ये है कैपिटल आर, आई एम सो सॉरी, कभी कभी इतनी सारी बातें होती हैं, नहीं दिमाग में जल्दी स्पीड के चक्कर में आता है। तो दोस्तों कितना है, 6√3 डिवाइड बाई रूट थ्री कर दोगे, भुजा है 6√3 डिवाइड बाई रूट थ्री कर दोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगी। अब इसको देखिए, हम लोग शॉर्टकट भी कर सकते हैं, क्या करेंगे, ये कहीं ना कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं, नहीं 6 ही आएगा, कह रहा है 6√3 है, आधा करो, ठीक है आधा करो, रूट थ्री चिपका दो, यही तो हमारा आपका जो है तय था, सॉरी तय था का मतलब यही तो फार्मूला था, ठीक है, तो आधा किया, 3√3 √3 का गुणा कर दिया, ठीक है, तो 3√3 × √3, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 3×9, ठीक है ना, तो यह जो है इसकी कितनी आ जाएगी, 9। अब इसको तुम्हें किस अनुपात में बांटना है, इसको 2:1 में बांटना, ऊपर 6 नीचे 3, तो बात समझ में आ गई, फॉर्मूला सही था, कभी कभी जल्दी में थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो जाता है, तो प्लीज नोट डाउन, आधा किया रूट थ्री चिपका दिया तो एच आ गया, 9 आ गया, 2 कैपिटल आर 2:1, तो ये 3:1 की वैल्यू 9 हो गई, 1:1 की वैल्यू 3, 2:1 की वैल्यू 6। ओके जल्दी करें दोस्तों, दोस्तों 42 क्वेश्चन हो गया, आ जाइए 43 पे, ठीक है ना, लास्ट स्लाइड है, कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के माध्यिका की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोस्तों माध्यिका ही ऊंचाई होती है समबाहु त्रिभुज में, याद रखना, क्या होता है, माध्यिका ही ऊंचाई होती है, यही हाइट है, यही हाइट है और यही मीडियन है, ठीक है ना, यही मीडियन है, उसने क्या कहा है, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब हमें तो क्षेत्रफल पता है, क्या होता है, h² / √3, यानी कि 12 × 12 √3, 3×12 = 4√3, 12 × 48 √3, जल्दी जल्दी करिए, आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा थोड़ी सी, आपको साफ दिखाई देगा,
लगातार 5 घंटे से चल ही रहा है मोबाइल, वीडियो बनी रहा है, तो इसी वजह से रात के 10:08 हुए हैं, तो इसी वजह से उसकी बैटरी जो है बिल्कुल लो हो गई है। मेरे प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी कर लीजिए प्लीज, नहीं तो बंद ही हो जाएगा, सब काम आपका रह जाएगा। कह रहा है किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है 9, 12, 15, दोस्तों कुछ हमको दिख गया, क्या दिख गया, 9 लिखा, 12 लिखा, 15 लिखा, अरे भाई 3 × 9 = 12, 3 × 5 = 15, तो यानी कि 9, 12 और 15 क्या है, समकोण है, क्या है, समकोण है। अब आपको पता है समकोण में क्या होता है, समकोण में क्या होता है, ये 9 है, ये 12 है, ये 15 है, तो आपको क्या पता है, अरे भाई आपको ये पता है कि दो छोटी भुजाओं के योग से बड़ी भुजा घटाकर आधा करते, वही अंतःपद की त्रिज्या है, 12, 9, 21 से 15 निकल गया, दोस्तों कितना बचा, 6, 6/2, दोस्तों कितना आ गया, 3। प्लीज जल्दी करें, अपने फोन की आप ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए। अगला है मेरे दोस्तों, वीडियो पुश करके प्लीज देखिएगा, अगला है मेरे दोस्तों 45 नंबर, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 40% की वृद्धि हो जाए, इसके आधार में 40% की वृद्धि हो जाए तो क्षेत्रफल पर, अच्छा सॉरी, प्रतिशत की ऊंचाई में 40% कमी और आधार में 40% वृद्धि, यानी कि एक बार वैल्यू 40% बढ़ गई है तो एक बार वैल्यू 40% घट गई है। जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया तो आपको मैंने बताया था एक बार कोई वैल्यू बढ़ जाए एक बार घट जाए तो दोस्तों क्या होता है, x - y - xy/100, या मेरा अपना फार्मूला, ये कितना लिखा है, 14 लिखा है, ये कितना लिखा है, 6 लिखा है, 84, तो दोस्तों कितना है, 84 है, 100 से कितना कम है, 16% की कमी, तो मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, 16% की कमी, ऑप्शन डी है, जल्दी करिए। दोस्तों 45 + 46 है, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त अंतर्निहित है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। मेरे प्यारे दोस्तों समबाहु त्रिभुज ये उसकी ऊंचाई है टोटल, ये केंद्रक होता है, सॉरी ये केंद्रक होता है, ये स्मॉल आ रहा है, ये 1, ये कैपिटल आ रहा है, ये 2 रेशियो में होता है। अब अंतर्वृत्त की त्रिज्या 3 है तो परिवृत्त की कितनी हो जाएगी, 6, और ये पूरा 6 + 3 मिलके कितना हो जाएगा, 9, जो कि क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। प्लीज जल्दी नोट करें, ओके जल्दी दोस्तों नोट करें, समय आपके पास बहुत ही कम है, समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके पास, स्पीड बढ़ाइए, कहां तक हो गया था, 46 तक हो गया था, आ रही है 47 पर, बस हमारे पास है गणित की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत, ये दोस्तों यूपीटेट में क्वेश्चन आ चुका है, गणित की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन की माप की जाती है, तो दोस्तों ये क्षेत्रमिति के अंतर्गत की जाती है, ठीक है, बात समझे, किसके अंतर्गत की जाती है, क्षेत्रमिति के अंतर्गत की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्ण 16√2 सेंटीमीटर वाले समकोण समद्विबाहु, तो दोस्तों समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, और ये कर्ण तो बराबर हो नहीं सकता है, कर्ण दोस्तों कितना है, 16√2 है, ठीक है, क्षेत्रफल पूछा है, तो दोस्तों जब भी समद्विबाहु समकोण का क्षेत्रफल अगर कर्ण दिया है तो आपको अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया क्या होता है, 4/2, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 16√2 × 16√2/4, 4 × 16 = 64√2 × √2 हो गया, 64 × 128 वर्ग सेंटीमीटर, बात समझ आ रही है, प्लीज नोट करें जल्दी से। और मेरे प्यारे दोस्तों ये है, नोट हो गया, चलिए ये है 49 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, आपको पता है ऊंचाई कितनी है, 15 है, ठीक है, ऊंचाई का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई √3, यही तो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, 15 × 15 = 225 /